नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कमिश्नरी कंपाउंड में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल सहित IIVR काशी हिंदू विश्वविद्यालय व सरकारी हार्टिकल्चरल एग्रीकल्चरल विभाग के लोगों ने भाग लिया। इसके साथ ही वाराणसी के प्रभुत्व किसानों को भी आमंत्रित किया गया था। इस गोष्ठी का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मोड़ना और जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें फाइट करके उनके उत्पादों को एक मंच देना जहां पर केवल ऑर्गेनिक का विपणन हो सके। इस उद्देश्य लोगों ने इस मंथन किया और वहीं पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नई दिल्ली की आई साइंटिस्ट ने भी अपने विचार रखे। या इसके उत्पादक हैं वो नहीं जानते, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है और आगे चल करके एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे ऑर्गेनिक के सेक्टर का होगा, जो कि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी यह एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे किसान सीधे सीधे लाभान्वित हो सकते हैं। जैसा कि हम बताएं कि यह सेक्टर ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके उचित मूल्य एवं कि स्थानीय बाजार में भी उचित मूल्य मिल रहा है और आज का हर एक व्यक्ति ऑर्गेनिक के तरफ जा रहा है। खाने में उसको ऑर्गेनिक चाहिए, इवन कि कपड़े को भी देखें तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के रूप में देखें। अपीडा भारत सरकार की जो ये संस्था है, यही भारत सरकार के बिहार पे इसकी सेक्रेटरिएट है और पूरा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस अपीडा के माध्यम से ही चलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए कि अपीडा जो यहाँ पे अपने ऑफिस भी खोल रखी है और हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं किसानों को। और इसके बाद आज दिन भर फील्ड में भी इसका प्रशिक्षण चलेगा, उनको जानकारी दी जाएगी और BRC और दूसरे इंस्टीट्यूशन के सहयोग से जो किट तैयार किए गए हैं उस किट के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से हमारा किसान एक ऑर्गेनिक की खेती करके जो कि प्रमाणित खेती हो, जिससे कि उसको उचित मूल्य और खरीदने वाले को भी यह पूर्ण जानकारी मिल सके कि वह ऑर्गेनिक फसल या ऑर्गेनिक फूड ही खरीद रहा है।